जो मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी की जीके, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी केट कटे, हमारे एमपी में बोला जाता है कटे, तो मंडला में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मंडला में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में पैदा हुआ था, 25 दिसंबर 1926 को पैदा हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी। लता मंगेशकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो इंदौर। और अफीम की खेती किस जिले में होती है, तो मंदसौर और नीमच, दोनों जिलों में अफीम की खेती होती है। लता मंगेशकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो इंदौर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पैदा हुआ था, तो ग्वालियर में, 25 दिसंबर 1926। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मंडला में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मंडला में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, ग्वालियर, 25 दिसंबर 1926। लता मंगेशकर के जन्म स्थान कहाँ है, तो इंदौर। इंदौर लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। इंदौर सलमान खान का चाचा रहते हैं। इंदौर राजवाड़ा, इंदौर बहुत चीजें फेमस है उद्योग के लिए। इंदौर जहां पर स्टूडेंट का एरिया चलता है, इंदौर हर चीज में इंदौर फेमस है, कपड़ों के मामले में, यहाँ कपड़े ज्यादा है, तो बहुत चीजों में इंदौर फेमस है। ठीक है, थैंक यू गाइस। मैं आपको ये अफीम की खेती में फिर भी बता रहा हूँ, अफीम की खेती किस जिले में होती है, मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, इस चक्कर में आपको टेंशन न ले, मैं आपको बता रहा हूँ, अफीम की खेती नीमच और मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा फसलें होती है, तो अफीम की खेती जो होती है वो मंदसौर और नीमच। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, आगे आने वाले वीडियो में देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू गाइस।